वेलकम टू सोशल। आप जब भी टीवी देखते हैं तो कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रीन पे कुछ इस तरह के नंबर्स फ्लैश होते हैं, और ये नंबर्स कभी कभी तो बहुत एनॉइंग भी होते हैं, जैसे कि लाइव मैचेस के दौरान कभी ये बैट्समैन के फेस के साथ फ्लैश हो जाएंगे, या कभी कोई मूवी या टीवी सीरियल के इम्पोर्टेंट सीन के दौरान। पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन नंबर्स का फ्लैश होना बहुत ही जरूरी है, और इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नंबर्स की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। आपको याद होगा जब इंडिया में सेटअप बॉक्स की जगह केबल वायर से कनेक्शन लगाया जाता था और उस एक वायर से ही कई कनेक्शंस लगा दिए जाते थे, तो पुराने दिनों में ब्रॉडकास्टर्स इन नंबर्स के कोड के द्वारा सिग्नल ट्रैक करते थे कि कौन सा केबल ऑपरेटर कहां कहां उनका चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इस नंबर को सैटेलाइट और कंप्यूटर एल्गोरिदम से जनरेट किया जाता था, और जब भी ये नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होता था तो ब्रॉडकास्टर्स को पता चल जाता था कि उनके चैनल किस एरिया की फ्रीक्वेंसी में दिखाया जा रहा है। और अगर केबल ऑपरेटर ने उनके चैनल को लीगली ना खरीदा हो तो इससे उनके फ्रॉड का पता चल जाता था। अब बात करें आज के दौर की, जहां केबल सर्विस सेटअप बॉक्स और डिश के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो आज भी ये नंबर्स चैनल पर दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे कंपनीज ट्रैक करती हैं कि उनका चैनल कोई इंटरनेट या कोई भी वीडियो साइट जैसे यूट्यूब पे इलीगली स्ट्रीम ना कर रहा हो। जैसे कि अब हर केबल कनेक्शन के लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस की जरूरत होती है, तो वैसे ही अब हर कनेक्शन पे ये नंबर्स अलग अलग दिखाए जाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ऑडियो और वीडियो के एल्गोरिदम के जरिए भी ट्रैक कर लेती हैं कि उनका कॉन्टेंट इंटरनेट पे कहाँ कहाँ अपलोडेड है। पर इन नंबर्स की वजह से ही ब्रॉडकास्टर्स आसानी से उन यूजर्स का पता लगा लेते हैं जिन्होंने इल्लीगल वीडियो स्ट्रीमिंग की होती है, क्योंकि हर सेटअप बॉक्स कनेक्शन में फ्रीक्वेंसी कोड्स अलग होते हैं और ये नंबर्स यूजर की फ्रीक्वेंसी और लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर लेती है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।